हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि आपके पर्सन जो ऑन ऑफ की सिचुएशन में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं या नो कांटेक्ट में हैं, जैसे भी हैं लेकिन वो ऑन ऑफ रहते हैं, ठीक है, कभी कभार आते हैं कभी चले जाते हैं, उनके लिए रीडिंग है। आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, वाइफ के लिए देख रहे हैं, जीएफ के लिए, बीएफ के लिए, जैसे भी देख रहे हैं देख लीजिए। आपके लिए मैं कार्ड निकालती हूँ, फटाफट रीडिंग करेंगे हम शॉर्ट्स के रूप में, ठीक है। देखते हैं कि उनकी क्या एनर्जी है, जो ऑन ऑफ रहते हैं उनके पर्सन उनको क्या बोलना चाहती हैं, उनकी क्या एनर्जी है, उनके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है इनोसेंस। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पर्सन जो ऑन ऑफ में रहते हैं ना, वो आपके बहुत ही ड्रीम लेते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी में रहते हैं वो, अब यानी कि फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई अदर पर्सन हो सकता है, कुछ दिन के लिए हो सकता है कि वो आपके पास आते हों, फिर थर्ड पार्टी में चले जाते हों, चाहे फैमिली मेंबर्स है चाहे अदर पर्सन है, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको कंपेयर करते हैं लोगों से जिनके साथ वो रहते हैं, उनसे और आसपास के लोगों से वो आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कि हो सकता है कि वो आपके साथ में एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फूल का कार्ड है, वो आपके साथ में एक नई शुरुआत करने की भी सोच रहे हैं, लेकिन वो आपको सबके साथ में कंपेयर करके देखते हैं, या फिर पास्ट की लाइफ को और अभी प्रेजेंट की लाइफ को जो है कंपेयर कर रहे हैं कि पास्ट में ये बंदा मेरे साथ कैसा रहता था और अभी ये मेरे साथ कैसे डील कर रहा है। उनके माइंड में बहुत ज़्यादा कंपेरिजन चल रहा है आपको लेकर के, ठीक है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो अपनी इंट्यूशन की भी सुनने लगे हैं, इनर वॉइस यहाँ पर कार्ड है, वो अपनी इंट्यूशन की भी सुनने लगे हैं कि उनकी इंट्यूशन उनको क्या बताना चाहती है कि ये आपका पार्टनर कैसा पार्टनर है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, आपको क्या एक्शन लेना है, आपको इनके साथ क्या कर्मा करने हैं, किसके साथ में आपको क्या कर्मा करनी है। कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है और वो अपने गुस्से पर कंट्रोल भी कर रहे हैं, अपने आप पे कंट्रोल भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोगों में थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और वो अपनी इनर वॉइस की सुन रही हैं, तो उनको कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो सोलमेट का है, ट्विन फ्लेम का है, उनको कहीं ना कहीं समझ में आ गया है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उनको ऐसा लगता है कि इनके साथ रहते भी मुझे जैसे जेल मिली हो, जैसे वो पिंजरे में बंद हो जाता है ना पक्षी, और ऊपर उड़ते हुए पक्षियों को जब देखता है तो उसका मन करता है कि मैं खुले गगन में उड़ूं, नीले गगन में, मैं आसमान में, मतलब खुला उड़ूं, ऐसा उनका मन करता है। तो इसी तरह से आपके पर्सन का मन करता है कि मैं इस बंदिश से बाहर निकल जाऊं, यानी कि आप मेरे व्यूअर्स के साथ में जब वो 5-10 दिन या महीना या जैसे भी आते हैं ऑन ऑफ की सिचुएशन में, तो उनका मन करता है कि मैं आसमान में उड़ू खुला, यानी कहने का मतलब है कि आप उनके ऊपर कोई कंट्रोल ना करें, आप उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए ना कहें, आप उनको कोई भी बात ना कहें कि जिससे उनको हर्ट हो, मतलब वो मज़े से आए, आपकी एनर्जी सक करके चले जाएं, उनको ऐसा जीवन पसंद है। आप देख लीजिए आपको कैसा पार्टनर चाहिए मेरे व्यूअर्स को, ठीक है। और वो इस भ्रम से बाहर निकलना चाहते हैं, इस शादी के बंधन से और बेकार की जो झंझट से और इस क्या कह सकते हैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटियों से, इनसे बाहर निकलना चाहते हैं कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको जो है इसमें बहुत ही प्रेशर फील हो रहा है लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर वो आगे बढ़ना चाहते हैं इस बंदिशों में से निकल कर के, और वो बहुत ही एक जो है दुनिया में एंजॉय करना चाहते हैं, अपने आप में कुछ बन के दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मत कहो भाई, ये करना है वो करना है, आज ये लेकर आना है कल वो करना है, बच्चों के लिए करना है हमारे लिए ये करना है, ये मत कहो बस। उनको तो इस फूल की तरह खिलने दो, सजने संवरने दो, ऐश मारने दो, मन में आए तो घर में आए, मन में आए तो छुट्टी कर ली घर से, कहीं भी ऐश मारें, चाहे फैमिली के साथ में चाहे अदर पर्सन के साथ में, उनको कोई कुछ मत कहो, ऐसा जीवन उनको पसंद है। अब आप मेरे व्यूअर्स कैसा पार्टनर चाहते हैं वो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, और आपके पर्सन बहुत ही इनोसेंस बनते होंगे ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये अपनी साइकिल को वहाँ पर कंप्लीट नहीं करना चाहते थर्ड पार्टी में। यहाँ पर ये साइकिल काफ़ी टाइम से कंप्लीट की आ रही थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं। देखिए रिवर्स में आई है ये साइकिल, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इसको मैं छोड़ूं, क्योंकि उनका अटैचमेंट उनके तरफ ज़्यादा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो कुछ काम के लिए बोलते ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ कहते ही नहीं है उनको कि ये कर लो वो कर लो, क्योंकि उनको आनंद आता है आप मेरी वर्स को दुख पहुंचाने में। तो ये साइकिल वहां पर कंप्लीट हो रही थी, लेकिन वो कंप्लीट करना नहीं चाहते हैं, फिर से चले गए होंगे आपके पास आकर के, और फिर से वो थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहे होंगे, यानी कि फैमिली मेंबर्स हों चाहे अदर पर्सन हो,
लेकिन आपके सामने या दुनिया के सामने बहुत ही इनोसेंस बन के दिखाते हैं कि मैं तो बहुत ही भोला भाला हूं, मैं तो किसी को परेशान ही नहीं करता हूं, मेरे को ही परेशान करते हैं लोग, ऐसा आपके पर्सन बन के दिखाते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड निकल कर आते हैं। देखिए कार्ड गिर गया था। जब आप उनको कुछ बोलते होंगे तो उनका माइंड बहुत घूमना शुरू हो जाता होगा। ये मुझे बड़न दे रहे हैं जिंदगी की, पता नहीं क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसा वो सोचते हैं। और दो चार दिन आते होंगे फिर भाग जाते होंगे फैमिली में, ऐसा मुझे यहाँ पर ये बंदा दिखाई दे रहा है या बंदी जो भी है। ये आपके पास इसीलिए नहीं रुक रहा है क्योंकि इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है और ये दिमाग पर बोझ डालना ही नहीं चाहता है। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गॉड इनको क्या रास्ता दिखाएगा? गॉड तो अपनी वॉइस को इन तक पहुंचा रहा है लेकिन ये सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। इससे बाहर निकलना चाहते हैं, इस बंदिश में रहना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इस साइकिल को कंप्लीट करना ही नहीं चाहते हैं। एडवेंचर करने का मन करता है इनको, हंसना और बस घूमना इधर उधर बच्चों की तरह, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अच्छे से कपड़े पहन लेंगे घूमेंगे गलियों में खेलते हुए इस तरह से। आजकल तो वो भी नहीं घूमते हैं। ठीक है, और उनका माइंड घूमना शुरू हो जाता है जब आप कोई काम के लिए बोलती हैं तो। ठीक है, उनको बस लोगों में एंजॉय करना, पार्टी शार्टी करना, शादी समारोह में जाना, ठीक है, दोस्तों के साथ घूमना, खाना पीना, ये अच्छा लगता है उनको। अब आप उनको कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ तो ये कहाँ तक संभव है? ऐसा नहीं है। वो आपको दिखाएंगे भाई मुझे तो बस अपना अपना जीवन जीना है, मैं आराम से अपना जीवन जी लूंगा, साधारण सा इंसान हूँ, ऐसा इनोसेंस बन के दिखाएंगे आपको भी और आपके फैमिली को भी या आसपास के लोगों को भी कि भाई ये खामखा में मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं तो इनको तंग ही नहीं करता हूँ। अरे तंग तो तब करोगे जब कुछ करोगे, ये तंग ही है और क्या है, जो आते हो दो चार दिन और भाग जाओगे तो आप मेरे व्यूअर्स तो दुखी हो जाते ना उनसे, और इससे ज्यादा तंग क्या करना है। और वो आपके पास आते हैं ना तो उनको बहुत आंसू निकलते हैं जब आप उनको खरी खोटी सुनाते हैं ना, ये नहीं करते वो नहीं करते, भाग जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते, क्यों शादी करवाई थी, ये क्यों किया था आपने, वो क्यों किया था, तो आपके पर्सन फिर रोना शुरू कर देते कि ये लोग मुझे खरी खोटी सुनाते हैं। आप अपनी गलती को नहीं मानते कि मैंने कुछ किया ही नहीं इनके लिए, और उठा करके मुंह और चल देते हैं फैमिली की तरफ। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये थी आपके पर्सन की कंडीशन गाइस, देख लीजिए क्या इनके साथ आपका फ्यूचर होगा। चलिए देख लेते एक बार आपका फ्यूचर इनके साथ में क्या होगा, क्या सॉल्यूशन निकलेगा इनका, क्या फ्यूचर में कुछ करेंगे, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, जो भी यूनिवर्स बताना चाहेगा। देखिए आप में हॉट टॉक्स होंगी, जब भी ये पर्सन आएगा आप लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे, हॉट टॉक्स करेंगे बहुत ज्यादा। देखिए फिर साइलेंस में चले जाएंगे, साइलेंस मोड पे, फिर एक दूसरे को हर्ट होगा, फिर कई दिन तक बातें बंद, ऐसा दिखाई दे रहा है। होप के साथ आप आगे तो बढ़ रहे हैं कि कभी तो जीवन में सब कुछ ठीक होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता गाइस कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है। आप शादी के बाद से ही ऐसा ही सिस्टम चला आ रहा है कुछ टाइम के बाद से ही, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि क्योंकि फैमिली मेंबर्स यहां पर इन्वॉल्व है ना, जिसकी वजह से आप अपने फाइनेंस पर ध्यान दीजिए, आपके पर्सन को भी अपने फाइनेंस पर ध्यान देना चाहिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स ये कहना चाह रहा है कि आप इस बंदे के पीछे अपना टाइम इन्वेस्ट ना करें, आप अपने जो है फाइनेंस पर ध्यान दें और अपने आप को जो है वो स्टेबल बनाएं। ठीक है, और थोड़ा सा पेशेंस रखें और प्लानिंग के साथ आगे बढ़े, यूनिवर्स आपके साथ में है। बहुत सारे कार्ड निकल कर गिर गए थे और इसी वजह से मैं आपको फटाफट बता रही हूँ, यूनिवर्स आपके साथ में है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये यूनिवर्स की ही चाल है, यूनिवर्स ही जो है सब कुछ करवा रहा है, क्योंकि आपके कर्माज हैं कुछ ऐसे। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अपनी फैमिली को स्ट्रांग बनाएं, एक जो है हैप्पी फैमिली बनाने की कोशिश करें, हार्ट चक्रा को अवेकन करें, सेक्रेट चक्रा को अवेकन करें। ठीक है, और पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आप आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, ये कहा जा रहा है। और फाइनेंस पर ध्यान दीजिए, सब कुछ ठीक होगा एक दिन। देखिए आपके पर्सन जरूर आपसे जो है रिकंसिलिएशन करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है। तो आप अपने अभी फाइनेंस पर ध्यान दें, बाकी उन चीजों पर ध्यान ना दें जो अभी सब फिलहाल जो है नहीं हो रहा है कुछ भी ठीक, उनके ऊपर ध्यान ना दे करके आप अपने बच्चों पर ध्यान दें, अपनी फैमिली पर ध्यान दें, जो भी बाकी आपके साथ में हैं लोग, और वो आपके साथ में रिकंसिलिएशन करेंगे। सोलर प्लेक्सस चक्र पर वर्क करें, सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र पर वर्क करें, दूसरा और तीसरा जो चक्र है उसके ऊपर वर्क करें, विक्ट्री और सक्सेस आपको मिलेगी। आप वेट करिए, प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप गाइज रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।